ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के ऊपर बात करेंगे। स्विट्जरलैंड में इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन स्विट्जरलैंड, कंपनी फॉर्मेशन इन स्विट्जरलैंड, कैसे आप स्विट्जरलैंड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पहले हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्विट्जरलैंड के ऊपर बिजनेस के एक्सपोर्ट के ऊपर हम बिजनेस वीडियोज़ बना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड सेटल इन स्विट्जरलैंड, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, स्विट्जरलैंड, एंड स्विट्जरलैंड जाना और वहाँ पर बसना घूमना सब लोगों के लिए, आम आदमी के लिए ये काफ़ी ये ड्रीम है कि हम सब लोग चाहते हैं स्विट्जरलैंड जैसा देश में जाकर बसे, वहाँ पर घूमें फिरें, वहाँ पर छुट्टियाँ बिताएँ, क्योंकि वर्ल्ड का टॉप कंट्री है, नंबर वन कंट्री है, जो कि काफ़ी रिच है, काफ़ी सेफ कंट्री है और खूबसूरत कंट्री है। स्विट्जरलैंड को भी कहा जाता है फिनलैंड जैसा, द लेक ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ लेक्स इन देश। देश में बहुत सारे झीलें हैं, बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल माउंटेन्स हैं और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं जो देश को खूबसूरत बनाता है। तो स्विट्जरलैंड हमारे लिए, आम आदमी के लिए ड्रीम है। स्विट्जरलैंड में जाकर बसना, बिजनेस करना, रहना हमारे के लिए ड्रीम है। तो स्विट्जरलैंड में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। स्विट्जरलैंड एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है। स्विट्जरलैंड का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड ये जो कंट्रीज उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, ऑस्ट्रिया भी उनका नेबर में है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ये जो कंट्रीज उनका नेबरिंग कंट्रीज है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है और बहुत कम पॉपुलेशन है, 87 लाख का पॉपुलेशन है। लैंग्वेज यहाँ पर चलता है, जर्मन लैंग्वेज चलता है, फ्रेंच भी चलता है, इटालियन भी चलता है इस देश में। और स्विट्जरलैंड का लोग काफ़ी रिच रहते हैं और काफ़ी एजुकेटेड भी रहते हैं। स्विट्जरलैंड का लैंग्वेज बता दिया, जर्मन, फ्रेंच एंड इटालियन यहाँ पर चलता है। एंड यहाँ का करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक वर्ल्ड का टॉप लेवल जो रैंकिंग में कहा जाता है, स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड का करेंसी स्विस फ्रैंक, आज के तारीख में 1 स्विस फ्रैंक इंडिया का 89 रुपीज़ मिलेगा। मतलब एक स्विस फ्रैंक को कन्वर्ट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 89 या 90 रुपीज़ मिलेगा। डॉलर और यूरो से ये काफ़ी अच्छा रैंक करता है वर्ल्ड में। स्विट्जरलैंड में आप क्या क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और कैसे स्टार्ट करोगे, क्या खर्चा आएगा उसके ऊपर हम बताएंगे। स्विट्जरलैंड में आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो वहाँ पर फर्स्ट है टूरिज्म बिजनेस। तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं अपने हॉलीडेज, छुट्टियां मनाने के लिए। तो आपका खुद का ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करके आप स्विट्जरलैंड का टूर पैकेजेस को वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हो। तो वर्ल्ड वाइड जैसे टूरिस्ट आते रहेंगे कंट्री को, तो आपको पैसा मिलते जाएगा और स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है। इसलिए स्विट्जरलैंड का गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी को प्रमोट करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हमारे देश में और यहाँ पर ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। हॉस्पिटैलिटी में आता है होटल्स, मोटेल्स, रिसोर्ट्स, कैफे, रेस्टोरेंट्स, बार्स, नाइट क्लब्स, तो ये जो बिजनेसेस है आप स्टार्ट कर सकते हो। छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हॉस्टल स्टार्ट कर सकते हो, हॉस्टल एंड गेस्ट हाउसेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर बड़ा बिजनेस है तो आपको स्टार होटल्स, रिसोर्ट या मोटेल्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। और अगर इन्वेस्टमेंट इन कैफे रेस्टोरेंट में, आप इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस है इन स्विट्जरलैंड, इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो या कैफे स्टार्ट कर सकते हो, या आप इंटरनेशनल क्यूजिन जो यूरोपियन स्टाइल रेस्टोरेंट होता है वो भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर में आपको बता दिया क्या क्या बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है वो आप वहाँ पर मेडिसिन स्टोर्स, मेडिसिन स्टोर वहाँ पर काफ़ी चल रहा है, इंडियंस बहुत सारे जाकर वहाँ मेडिसिन स्टोर खोल रहे हैं। मेडिसिन स्टोर में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। स्विट्जरलैंड में जो लोग हैं वो ज़्यादा करके इंसोर्ट रहते हैं, यानी उनका जो गवर्नमेंट से उनको मिलता है इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस है। तो गवर्नमेंट से जितने सारे मेडिसिन स्टोर्स होते हैं, मेडिकल कंपनीज, हेल्थ केयर कंपनीज रहते हैं, गवर्नमेंट के साथ भी टाई अप रहता है। तो आपको हॉस्पिटल क्लिनिक्स को मंथली आपको काफ़ी सारे दवाइयाँ, काफ़ी सारे मेडिसिन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, टेक्नीशियन का जितने सारे इक्विपमेंट्स होता है आपको सप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें काफ़ी फायदा है अगर मेडिसिन स्टोर खोलोगे, मेडिकल शॉप खोलोगे। उसके बाद आप अगर एक डॉक्टर हो
आप स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड में अगर आप वहाँ पर लाइसेंस ले सकते हो स्विट्जरलैंड में, तो मेडिकल क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप एक डॉक्टर हो। उसके बाद क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप वहाँ पर सुपरमार्केट या ग्रोसरी मिनी सुपरमार्केट स्टार्ट कर सकते हो। सुपरमार्केट क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन 87 लाख से, और उनका जो नेबरिंग कंट्रीज जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड फ्रांस है, और वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं, और पूरा साल यहाँ पर टूरिस्ट अराइवल रहता है, तो लोग आएंगे तो खाना खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, इसलिए वहाँ का ग्रोसरीज, वहाँ का मिनी सुपरमार्केट, बड़ा हाइपरमार्केट में अच्छा बिजनेस रहता है। तो आपको पास अगर ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा पैसा है, तो आप वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हो, वहाँ पर सुपरमार्केट खोल सकते हो, वहाँ पर हाइपरमार्केट खोल सकते हो। और अगर आपको पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करना है, तो आप वहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेडिंग कंपनी खोल के इंडिया से प्रोडक्ट इम्पोर्ट करके वहाँ का ट्रेडिंग कंपनीज को, वहाँ का जो सुपरमार्केट्स को आप सप्लाई कर सकते हो, मंथली पेमेंट ले सकते हो, फूड प्रोडक्ट और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। स्विट्जरलैंड सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है, काफ़ी ठंड जगह है। तो आप अगर बुटीक खोलते हो, बुटीक में वार्म कपड़े, आप वार्म क्लॉथ्स वगैरह सेल कर सकते हो, और आपका जो लेदर गुड्स, लेदर शूज़ वगैरह जितने सारे लेदर का प्रोडक्ट होता है सेल कर सकते हो, तो आपको काफ़ी फायदा है। स्विस फ्रैंक में आपको पैसा मिलेगा, तो ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो टॉप लेवल बिजनेस बता दिया, तो ये बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। स्विट्जरलैंड में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अभी बताऊँगा मैं क्या खर्चा आएगा स्विट्जरलैंड में। अगर आप गूगल में जाओगे तो आपको बहुत सारे सर्च करोगे, तो बहुत सारे स्विट्जरलैंड के जितने सारे जो कंसल्टेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, उनका एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा, जो आपको 200 स्विस फ्रैंक में आपको कंपनी बना के देंगे। लेकिन ये कंपनी तो बना देंगे, लेकिन लॉयर का फीस एंड आपको वहाँ पर ऑफिस लेना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा रहता है। तो मिनिमम जो खर्चा, कंपनी फॉर्मेशन का मिनिमम खर्चा एक्सपेंसेस आता है 10,000 यूरो, कम से कम मिनिमम 10,000 to 15,000 यूरो एक्सपेंसेस आता है, जिसमें आपको जो लॉयर को फीस देना पड़ता है, लॉयर का फीस रहता है, कंसल्टेंट का फीस रहता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन को, डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लेना पड़ता है, बहुत सारे अप्रूवल लेना पड़ता है। देन आप जिस जगह पर आपका बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस जगह का या एक साल का कॉन्ट्रैक्ट में लीज में लेना पड़ता है, आपका शॉप या आपका ऑफिस, ठीक है, तो लेना पड़ता है। तो इसलिए खर्चा जो आ जाता है आपका 10,000 से लेकर 15,000 यूरो स्टार्टिंग में खर्चा आ जाता है। 10,000 यूरो या 15,000 यूरो ऑलमोस्ट सेम, 10 से 15,000 फ्रैंक खर्चा आ जाता है, ठीक है। ये कंपनी बनाने के बाद, लॉयर का फीस ये सब देने के बाद, 10 से 15,000 यूरो तो जाएगा आपका कंपनी फॉर्मेशन, उसके बाद आएगा आपका लॉयर का फीस। वहाँ का लॉयर्स जो होते हैं काफ़ी महंगा रहते हैं, एक्सपेंसिव रहते हैं, आपको आवरली फीस मांगेंगे, पर आवर के हिसाब से आपको कम से कम 50 से लेकर 100 स्विस फ्रैंक पे करना पड़ता है पर आवर। तो अप्रोक्सीमेटली पकड़िए 10,000 से लेकर 15,000 यूरो और 15,000 स्विस फ्रैंक आपको खर्चा आ जाएगा कंपनी फॉर्मेशन में। अगर आपके पास यूरोपियन यूनियन का, आपके पास कोई कंट्री का रेसिडेंसी है, फिर आप 200-300 स्विस फ्रैंक में कंपनी बना के ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि आपको वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप लीगली, आपके पास राइट्स है स्विट्जरलैंड में बिजनेस करके रहने के लिए। लेकिन अगर आप एक फॉरेनर हो या आप इंडिया से हो, आपके पास स्विट्जरलैंड का रेजिडेंसी नहीं है, तो आपको 10-15,000 यूरो 10-15,000 स्विस फ्रैंक खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपनी का जो शॉप यानी दुकान या ऑफिस का रेंट, एक साल का लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा आपको। एक्चुअली जो खर्चा आता है, एग्जाम्पल आपको जो स्विट्जरलैंड का रियल इस्टेट काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो आपको रियल इस्टेट कंपनी को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। रियल इस्टेट कंपनी कॉन्टैक्ट करके, तो वहाँ का कोई शॉप रहेगा, दुकान रहेगा या कोई ऑफिस रहेगा, तो उनको कॉन्टैक्ट करके एक साल का रेंट आपको रेडी करना पड़ेगा। मतलब आपको कम से कम 2 महीने से लेकर 3 महीने का कैश देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, प्लस आपको 2-3 महीने का देना पड़ेगा जो कंसल्टेंट, रियल इस्टेट कंसल्टेंट को उनको कमीशन देना पड़ेगा। उसके बाद बाकी पैसे का ऑलमोस्ट चेक देना पड़ता है, या ऑलमोस्ट एक साल का पूरा पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसका खर्चा आप कैलकुलेट कर लीजिए। स्विट्जरलैंड का रियल इस्टेट रेंटल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये इसके बाद ये एक साल का हो गया, उसके बाद आपका कंपनी बन गया, फिर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो कम से कम आपको, अगर आपको रेजिडेंसी वीज़ा लेना है, रेजिडेंसी वीज़ा लेकर आपको वहाँ पर रह के बिजनेस करना है और आपको फैमिली को बुलाना है, तो कम से कम आपको 3 से लेकर 4
स्विट्जरलैंड का लोगों को, स्विट्जरलैंड का रेजिडेंसी या रेजिडेंट या स्विट्जरलैंड का जो सिटीजन को नौकरी देना पड़ेगा, ठीक है। नौकरी अगर दोगे दो से दो तीन चार मैक्सिमम, मिनिमम तो सेफ साइड में चार स्विट्जरलैंड के लोगों को नौकरी में रखना पड़ेगा, एक चार चार जन को, तो उनका जो सैलरी है हर महीने का सैलरी उनका अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और उनका जो टैक्सेस है उनका टैक्सेस भी आपको पे करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में फॉरेनर को एम्प्लॉय उनको रिक्रूट नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में स्विट्जरलैंड का रेजिडेंट या स्विट्जरलैंड का सिटीजन को जॉब देना पड़ेगा। बाद में जब जैसे आपका बिजनेस बढ़ जाता है देन आप फॉरेनर को रिक्रूट कर सकते हो। तो जैसे आपका कंपनी खुल जाता है, बिजनेस खुल जाता है, आपने चार स्विट्जरलैंड का सिटीजन को बिजनेस सॉरी आपने जॉब दे दिया और बाद में आपका बिजनेस रन हो रहा है और आपको हर महीना आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका कॉरपोरेट टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आपका एम्प्लॉय का टैक्स वगैरह देना पड़ता है। टैक्स वगैरह भरते हो तो फिर बाद में आपको रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाती है, देन आपका फैमिली को भी आप स्पॉन्सर करके स्विट्जरलैंड बुला सकते हो। और स्विट्जरलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है, आपका अगर आपके पास रेजिडेंसी मिल जाता है बाद में वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग में आपका खुद का फ्लैट ऑफिस वगैरह खरीद सकते हो, और ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते जब तक आपको सिटीजनशिप नहीं मिलता है। तो 5 से 6 साल वहाँ पर रहोगे ऑन रेजिडेंसी वीज़ा, 5-6 साल रहने के बाद आपको PR मिलेगा, परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगा, और 8 से लेकर 10 साल रहने के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा स्विट्जरलैंड का। तो ये प्रोसीजर है स्विट्जरलैंड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, स्विट्जरलैंड का एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन। तो बता दिया इसके लिए स्विट्जरलैंड में कम से कम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम 1 करोड़ से स्टार्ट होता है। 1-2 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो स्विट्जरलैंड में खुद का बिजनेस स्टार्ट करके खुद सेटल हो सकते हो और खुद का एक अच्छा लाइफ वहाँ पर, सुकून के लाइफ यानी एक बेस्ट लाइफ आप जी सकते हो इस स्विट्जरलैंड। अगर आपके पास 1-2 करोड़ से लेकर ज़्यादा पैसा है, 5-10 करोड़ है, तो आप स्विट्जरलैंड में सस्टेन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है। आपको कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ेगा, आपका पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स देना पड़ेगा जो बिजनेस से आता है। आपको वहाँ पर लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, हर महीने का टैक्सेस वगैरह वो पे करेंगे आपका, देन आपको एम्प्लॉयज जितने सारे काम करेंगे उनका टैक्सेस भी पे करना पड़ता है। तो ये सब प्रोसीजर है। अगर आपके पास 1-2 करोड़ स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने को है तो आप स्विट्जरलैंड को ऑप्शन दे सकते हो, और आगे इन्वेस्टमेंट के लिए 5-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो आप स्विट्जरलैंड आपके लिए बेस्ट कंट्री है टू स्टार्ट योर बिजनेस इन स्विट्जरलैंड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोई भी लो फार्म इन स्विट्जरलैंड को कॉन्टैक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमारे कंपनी ट्यूबलॉज कॉर्पोरेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको मदद करेंगे स्विट्जरलैंड में जाकर कैसे आपका बिजनेस सेटअप करके आप वहाँ पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।